हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हो आप सब? आपका यूट्यूब चैनल देसी जीवन में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आए खेत में। शाम का टाइम है और गर्मी अभी भी बहुत हो रखी है। पसीने आ रहे हैं। पहले मैंने एक ब्लॉग वीडियो बनाया था, उस टाइम पे फसलें बहुत छोटी थी भाई, और अभी फसलें बहुत बड़ी हो चुकी है। कनकों पे बालियां आ चुकी है भाई, और सरसों की कटाई शुरू हो गई है। ये सरसों लेट है, इसलिए अभी तक हरी खड़ी है भाई। बाकी सरसों की कटाई शुरू हो चुकी है। पहले जो सरसों आप लोगों को दिखाई थी भाई, उसकी बिजाई काफी लेट हो चुकी थी, तो उसकी कटाई भी लेट हो जाएगी। और ये सरसों जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पूरी तरह से पक चुकी है, तो इसकी कटाई भी अब शुरू होने वाली है भाई। एक दो दिन में इसकी कटाई शुरू हो जाएगी। तो ये देखिए भाई, दूर दूर तक जहाँ भी आपकी नज़र जाती है, सब तरफ हरियाली हरियाली है भाई। कहीं गेहूँ के खेत है तो कहीं सरसों के, कहीं पेड़ पौधे हैं तो कहीं टिल्ले है भाई। तो ये देखिए भाई, गेहूँ के खेत, गेहूँ पर बालियाँ आ चुकी है भाई। गेहूँ की कटाई अप्रैल के पहले हफ्ते पर शुरू हो जाएगी। तो ये देखिए भाई, मेरी पतिदेव और मेरा बेटा ये सब खेतों में घूम रहे हैं अभी। शाम का टाइम है तो घूमना भी अच्छा लगता है सब, और शांति शांति होती है भाई, बिल्कुल शांत माहौल। और ये है भाई झोंपड़ी, खेत में रहने के लिए। ये किसान का घर है भाई, आंधी तूफान बारिश सब इसमें ही बिताता है भाई। धूप से बचाने के लिए भी ये झोंपड़ी ही काम आती है भाई, तो अपने बचाव के लिए झोंपड़ी बनाता है। और ये है भाई खेत की रखवाली के लिए, टेम्परेली घंटी बनाई हुई है, दूर दूर तक आवाज़ आती रहती है ताकि जानवर खेतों में नहीं घुसते हैं भाई। उन्हें भरम रहता है कि कोई खेत में है, तो इस तरह से यह टेम्परेली बनाया हुआ है। ये अड़ुआ है भाई, हमारे आसपास के क्षेत्र में तो भाई इसको अड़ुआ ही बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। जब दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कोई इंसान खड़ा हुआ है, तो पशु पक्षियों को भी भरम रहता है, तो डर से खेतों में नहीं घुसते हैं भाई। तो ये देखिए भाई, पतझड़ के बाद बसंत ऋतु में पेड़ों पर पत्ते आ चुके हैं, तो सब और हरियाली हरियाली हो गई है भाई। बिल्कुल पत्ते झड़ चुके थे, तब नए पत्ते आने शुरू हो गए हैं और हरियाली भी छा गई है। ये भाई हमारे पशुओं का चारा है, तो इस पर भी बीज आना शुरू हो गया है, इसको हम जोई बोलते हैं भाई। तो ये देखिए, ये अब काफ़ी लंबी होने के कारण गिर भी गई है, पूरी तरह से सो गई है। पानी भी लगा हुआ था और आंधी भी चल रही थी, तो ये देखिए भाई पूरी तरह से सो गई है। कुछ दिन ऐसे रहने से नीचे से सड़ जाती है और बदबू आने लगती है भाई, तो पशु भी इसको नहीं खाते हैं। तो ये देखिए भाई पूरी तरह से सो चुकी है। या मेरे पतिदेव जी भाई चारा की कटाई कर रहे हैं, तो ये देखिए ये चारा कटाई कर रहे हैं और मैं तोड़ रही हूँ सोगरे। मूली जब पक जाती है तो भाई उस पर सोगरे लगने शुरू हो जाते हैं। तो ये देखिए भाई, सोगरे की सब्जी बनती है और कड्डी वगैरह में भी डालते हैं, बहुत अच्छी लगती है भाई, तो खेतों की ताज़ा सब्जियाँ। तो ये देखिए मैं तोड़ रही हूँ, ये पौधा भी पूरी तरह से सो चुका है, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ इस तरह की होती है भाई सोगरी, या सोगरा कुछ भी बोल लो। आप लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता भाई, हमारे यहाँ तो सोगरा ही बोलते हैं। इस तरह का पौधा होता है भाई। तो ये देखिए पालक, खेत में खूब सारी पालक हो रखी है भाई, पालक पर भी बीज आने शुरू हो गए हैं। थोड़ी सी पालक भी हम तोड़ लेंगे भाई, घर लेकर जाएंगे। ये हमारे चारा में है भाई पालक, हम पशुओं को भी पालक खिलाते हैं भाई, खूब सारी पालक है। ये सरसों भी चारा में ही है, तो पक रही है भाई, अभी सभी फसलें पकने पर है भाई, तो ये भी पक रही है। ये देखिए हम तोड़ लेते हैं थोड़ी सी पालक सोगरी, साथ में खेत से सब्जियाँ भी ले जाते हैं और साथ में चारा भी ले जाते हैं और साथ में घूम भी लेते हैं, खूब मस्ती हो जाती है भैया। अब तो गर्मी भी काफ़ी बढ़ चुकी है, तो भाई पसीने भी खूब छूटते हैं। तोड़ लेते हैं भाई खूब सारी सोगरियाँ, और पतिदेव जी काट रहे हैं चारा। चारा गिरा हुआ है तो काटने में काफ़ी परेशानी हो रही है भाई, पानी भी लगा हुआ और गिरा हुआ है, तो हाथ बात कटने का डर भी रहता है, और जड़े भी साथ में आ रही है, तो ध्यान से काटना पड़ता है भाई, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। पतिदेव जी काट रहे हैं चारा, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ खेत, और साथ में बांध लेते हुए गठरियाँ, ट्रैक्टर तक चारा लेके भी जाना पड़ता है भाई। यहाँ से 5 बीघा की दूरी है, तो वहाँ तक सर पर उठा कर लेके जाएंगे भाई। तो मैं भी पतिदेव जी को चारा कटवा दूँगी, अकेलों को काटने में काफ़ी परेशानी होती है भाई, धूप भी पड़ रही है। जब दो लोग मिल बांट कर काम करते हैं तो मुश्किल से मुश्किल काम आसान हो जाता है, तो इस तरह से हम दोनों मिलकर चारा काट लेंगे भाई। इस धूप में चारा काटना भी बहुत मुश्किल है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है भाई। अब की बार मार्च के महीने में इतनी गर्मी है, तो आगे क्या हाल होगा पता नहीं भाई, पिछली बार तो मार्च में काफ़ी सर्दी थी। तो जल्दी जल्दी चारा काट लेते हैं भाई, चारे के 2 से 3 बार डो जाते हैं, पशुओं को खूब चारा रहता है भाई अगर पानी टाइम पर मिलता रहे। ये ट्यूबवेल के पानी की है भाई, नहर के पानी की तो काफ़ी बंदी चल रही है, काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही है। चारा तुम्हारा लगभग कट चुका है भाई, अब वहाँ तक गठरिया लेकर जाएंगे। गठरिया लेकर जाना भी बहुत मुश्किल लगता है भाई, 3-4 राउंड लगाने पड़ते हैं, तभी जल्दी जल्दी गठरिया लेकर चले जाते हैं। हम चारा काट रहे थे, धूप काफ़ी थी भाई, अभी शाम का टाइम हो चुका है, तो
तो सूरज भी ढल चुका और गर्मी भी काफ़ी कम हो चुकी है। अब सुहाना मौसम हो गया है, खेतों में मन लगने लगा है भाई। ठंडी ठंडी रेत में कुछ टाइम बिताने का भी मन करता है। बच्चे तो यहाँ खेलते हैं भाई, जब भी आते हैं तो खूब मस्ती करते हैं। अभी तो उनके स्कूल शुरू हो चुके हैं तो उनकी मस्तियाँ भी बंद हो चुकी है, लेकिन आज मेरा बेटा मेरे साथ आया है। जब खेतों में आते हैं तो किसान की लाइफ पता चलती है भाई, सच में बहुत मुश्किल होती है किसान की लाइफ। बहुत मेहनत करता है, दिन रात खेतों में रहता है भाई। आंधी तूफान सर्दी गर्मी हर मौसम में वो खेतों में बिताता है। सर्दियों की ठंडी रातों में हम रजाइयों में सोते हैं, वो खेतों में पानी देता है भाई, फसलों को बोता है तो अपने बच्चों की तरह पालता है भाई। 6 महीने तक मेहनत करता है तब जाकर फसलें पकती है। अगर प्रकृति का केयर पड़ जाए तो फसलें बर्बाद भी हो जाती है। सच में बहुत मेहनत करता है भाई किसान, सल्यूट करती हूँ मैं किसानों को। तो ये सटका था भाई जो पीछे मैंने दिखाया था, खेतों को पानी पिलाने के लिए काम में आता है। ये ऊंची जगह पर पानी नहीं पहुंच पाता है, वहाँ पर पानी पहुंचाने के लिए इसका काम में लिया जाता है। और ये अभी करंट की तार लगी हुई है, इससे किसानों को काफ़ी रात मिलती है भाई। रात पर पशुओं के पीछे नहीं दौड़ना पड़ता, कुछ रात की सांस ले पाता है भाई। तो अब चलते हैं भाई घर वापस। अगर आप लोगों को इस तरह की वीडियो देखना पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर लेना। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, टेक केयर, बाय बाय।